रोडवे बसों में चालक परिचालकों की कमी जल्दी पूरी होगी। शासन ने संविदा पर 400 चालकों और 43 परिचालकों की नई भर्ती की अनुमति दे दी है। आपको बताते चले, रक्षाबंधन से पहले भर्ती करने का जोर है ताकि त्यौहार में बसों की कमी ना हो। अलीगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि 350 परिचालकों की मांग के सापेक्ष में 43 और 400 चालकों की भर्ती की अनुमति मिली है। भर्ती प्रक्रिया रक्षाबंधन से पहले पूरी करने का लक्ष्य है। त्यौहारों में कर्मियों की कमी ना रहे। वर्तमान में 690 बसों के लिए 300 चालक और 280 परिचालक तैनात हैं। अलीगढ़ परिक्षेत्र में अलीगढ़, बुद्धविहार, कासगंज, एटा, अतरौली, नरोरा और हाथरस को मिलाकर के 7 डिपो हैं। इनसे रोजाना 40,000 यात्री सफर करते हैं। गौर है कि स्टाफ की कमी के चलते हाथरस, एटा, कासगंज, अतरौली, नरोरा, मथुरा, इगलास, चंडोस, पिसावा आदि मार्ग पर बसें संचालित नहीं हो पा रही हैं। अब इन रूटों पर बसों संचालित किया सकेंगी। इसके साथ ही प्रयागराज में कुंभ मेले को देखते हुए कुछ नई बसें भी खरीदने की योजना है। अलीगढ़ परिक्षेत्र के लिए 400 ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई है, 43 परिचालक की वैकेंसी निकाली गई है। कारण आपको बताते चले कि कई बसें ऐसी हैं जो खड़ी हुई हैं जिनका रूट मथुरा और अलीगढ़ होता है, इसके साथ साथ अन्य जनपद होता है, लेकिन चालक और परिचालक ना होने के चलते ऐसी बसें खड़ी हुई हैं। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में कुंभ भी लगने वाला है। इस सब को देखते हुए रोड विभाग द्वारा 400 और 43 वैकेंसी अलग अलग हिस्सों में चालक परिचालक की निकाली गई है, जिसके बाद से मथुरा अलीगढ़ मार्ग पर आने वाले समय है उसमें दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। रोडवे विभाग का टारगेट यह है कि रक्षाबंधन से पूर्व ही इन सभी पदों की भर्ती संविदा के रूप में कर ली जाए, जिससे कि रक्षाबंधन पर्व पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज के लिए अपने साथी सौरभ के साथ रवि यादव।